चुनाव होने वाला है और इसको लेकर सीवान लोकसभा से एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा सदर प्रखंड के सुहावनाता गांव में पहुंची हुई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके साथ मुखिया प्रतिनिधि और भाजपा के नेता सुभाष सिंह कुशवाहा है और यहां पे सुहावनाता पहुंची हुई है विजय लक्ष्मी कुशवाहा, उनके साथ मुखिया आभा सिंह भी है। और आप देख सकते हैं लोगों के द्वारा किस तरह से स्वागत किया जा रहा है। लक्ष्मी कुशवाहा के पुत्र कुणाल जी, कुणाल जी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, आज कहां कहां जनसंपर्क हुआ? आज हम लोग अभी मथुरापुर से आ रहे हैं, फिलहाल अभी मोहम्मदपुर में है और मोहम्मदपुर में एक दो और कार्यक्रम करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। कैसा रिस्पांस मिल रहा है गांव देहात में जा रहे हैं? गांव देहात के सभी लोग खुश हैं, मोदी जी और नीतीश जी के जो पहले विकास किए हैं उनसे तो पूरा समाज खुश है। गांव हो, शहर हो या जितने भी राज्य है, पूरा देश ही खुश है मोदी जी से। हाँ, मोदी जी पूरा एकजुट है। सब जानते हैं कि मोदी जी अगर फिर से चुन के आएंगे तो हर तबका मजबूत होगा, पूरा देश मजबूत। अभी भी जिस रास्ते से आप आ रहे थे, कई सारी सड़कें जो है पूरा गड्ढे में, तो हाँ वो हम लोग देखे और वो जरूर जब सरकार जब बनेगी, मोदी जी की जब सरकार बनेगी, फिर नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी तो जरूर विकास का काम होगा और उसमें ये भी काम होगा। और यही नहीं, सिवान जिले में जो भी बचा हुआ काम है, ऐसे तो मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ, बहुत विकास हुआ और जो बचा हुआ वो भी विकास। क्या अपील करेंगे? अपील जनता से यही है कि वो लोग साथ जुड़े, जुड़े भी हुए हैं लोग, जो नहीं भी जुड़े हुए वो लोग भी जुड़े और हाथों को मजबूत करें, उससे देश मजबूत होगा हम लोगों का।